अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू देसी किचन सीक्रेट्स। वीवर्स, आज हमने अपने किचन में सूजी के शक्करपारे बनाए हैं जो कि बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जो भी हो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। इससे हम अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज हम अपने किचन में बनाने लगे हैं सूजी के शक्करपारे जो कि बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। ये मम्मी जी की रेसिपी है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें मम्मी जी ने सूजी ली है 200 ग्राम लिया है एक कप, और चीनी ली है एक कप, और चीनी में मम्मी जी ने ये जो है इलायची डाली है, दो इलायचियाँ तोड़ कर डाली हैं। और ये जो सूजी है ना वीवर्स, ये भी तकरीबन एक कप के बराबर ही है, लेकिन अगर मेजरमेंट में लें तो इसको ये 200 ग्राम है। और जो ऑयल है 3 टेबलस्पून ऑयल लिया हमने इसमें। तो चलिए रेसिपी की तरह चलते हैं कि ये कैसे बनती है। व्यूअर्स, अब हम इसको बाउल में डालेंगे क्योंकि हमने इसको गूंदना है। और इसमें मम्मी जी ऑयल डाल रही हैं जो हमने 3 टेबलस्पून लिया था। व्यूअर्स, इसको अब अच्छी तरह से जो ऑयल डाला ना इसको अच्छी तरह सूजी में मिक्स करना है आपने। हर जगह ऑयल और सूजी जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, एक जान हो जाए। व्यूअर्स, वैसे हमने एक कप दूध लिया है लेकिन हम गूंथते हैं कि कितना यूज़ होता है हमारा, लेकिन जो है मम्मी जी आपको एंड पे बता देंगी कि हमारा 200 ग्राम सूजी में कितना दूध यूज़ हुआ है, हम आपको एंड में बता देंगे। लेकिन वैसे हमने एक कप लिया है। बस देखें, हमने ना आटा गूंद लिया मम्मी जी, लेकिन हमारा दूध एक कप था, लेकिन जो यूज़ हुआ है सूजी गूंदने के लिए वो सिर्फ आधा कप यूज़ हुआ है। आप देख सकते हैं कि आधा कप अभी भी बचा हुआ है, तो आधा कप यूज़ हुआ है 200 ग्राम सूजी में। इसको अच्छी तरह ये मम्मी जी डो को अच्छी तरह से गूंद रही हैं। मम्मी जी, इसको कितना गूंदना है? इसको इतना गूंदना है कि ये नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए अच्छी तरह ना। इसके जो दाने दाने हैं ना ये सॉफ्ट हो जाए। जी व्यूअर्स, मम्मी जी ने कहा है कि इसको इतना गूंदना है कि इसके जो दाने हैं ना, ये दरदरी सी होती है ना सूजी ज़रा, तो इसके जो दाने हैं ना वो ज़रा सॉफ्ट हो जाएं। व्यूअर्स, ये देखें मम्मी जी ने ये जो डो है ये तैयार हो गई है, ऐसे गूंद लिया है। सिर्फ 5 मिनट लगे हैं इसको। अब मम्मी जी इस पर ऑयल लगा रही हैं और इसको कवर करके कितने मिनट के लिए रखना है मम्मी जी? इसको व्यूअर्स कवर करके 15 मिनट के लिए हम रखना है, ताकि जो इसकी डो है ना वो सेट हो जाए। तो मिलते हैं हम थोड़े से वक्फे के बाद। व्यूअर्स, हमने जो डो रखी थी उसको 15 मिनट हो गए हैं। अब फिर इसको मसलेंगे और सॉफ्ट करेंगे, और इसमें मम्मी जी थोड़े से तेल ऐड करेंगी। 2 चम्मच तेल है और इसको भी इसमें गूंद देंगे। डो है इसको दो पोर्शन में डिवाइड करके और इसके पेड़े बना लेने हैं दो। पर इसको हमने बेलना है, इसलिए हम इसको थोड़ी सी ऑयलिंग कर लेंगे ताकि जो पेड़ा है चिपक ना जाए। इसको बेलने को भी लगा लेंगे ऑयल। व्यूअर्स, इसको इतना मोटा रखना है जितनी मोटी रोटी होती है ना, इतना मोटा रखना है इसको। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। व्यूअर्स, जो हमने आटा सूजी का बेला था उसकी हमने ये कटिंग कर ली है। अब हम इसको ऑयल में डालेंगे। इसको ना अब ये उठा उठा के ना ऑयल में डालना है, ठीक है?
पहले हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। वीवर्स, हमने शक्करपारों को तलने के लिए ऑयल रख लिया है। ऑयल हमने मीडियम रखना है, लेकिन जब हम शक्करपार डालेंगे तो फिर आपने बहुत स्लो कर लेनी आग, ताकि ये जल ना जाए। वीवर से देखिए, मम्मी जी ने ये सारे निकाल लिए हैं। अब हम एक दूसरा पेड़ा जो रह गया था वो भी बनाने वाले हैं। ये देखें, हमने इसकी टुकड़ियाँ काट के इसको प्लेट में निकाल लिए। अब हम इसको फ्राई करेंगे। वीवर्स, मम्मी जी ने थोड़ा सा ये डाल के देखा है, हमें यही ऑयल इतना ही गर्म चाहिए। मम्मी जी इसमें डाल देंगी। वीवर्स, इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना। वीवर्स, इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा तो इसको हमने निकाल लेना। वीवर्स, आपने इसको सारे को नहीं डाल देना, जितनी ईजिली इसमें आ जाए ना उतनी डालनी है, ताकि ईजिली फ्राई हो जाए। आपने सारी नहीं डालनी, थोड़ी थोड़ी करके डालनी है। शीरा बनाने के लिए हम एक कप जो चीनी आपको पहले भी दिखाई थी, उसमें दो हमने जो थे सूजी, दो हमने इलायची के दाने डाले थे, खोल कर इलायचियाँ डाली थी दो, और आधा कप पानी डाल देंगे एक कप चीनी में। ऐसी चाशनी तैयार कर लेंगे। वीवर्स, चाशनी हमारी बन गई है, और अब हमने फ्लेम को बंद कर दिया है, और जो हमने शक्करपारे बनाए थे अब हम इसमें वो डाल देंगे, और इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि चीनी इसको लग जाए अच्छी तरह से। इसकी जो शीरा बना है ये अच्छी तरह से शक्करपारों को लग जाए, हाथ ही रोकना ताकि ये जम ना जाए एक जगह। चम्मच हिलाते जाना आपने इसको ना मिक्स करने के लिए, ताकि वीवर से देखें शक्करपारों को आपने हिलाते जाना है जब शीरे में डालेंगे, ताकि ये एक दूसरे के साथ जुड़ ना जाए। वीवर से देखें, सूजी के शक्करपारे बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत इजी रेसिपी है, मम्मी जी ने स्टेप बाय स्टेप बताया है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं वो भी बहुत कम है। दूध, सूजी और चीनी से आप इजीली इसको बना सकते हैं। वीवर, जब हमने इसको शीरे में से निकालना है तो इसको ना आपने अलग अलग कर लेना है चम्मच की मदद से, स्पून से, ताकि ना ये ना जब ठंडे होंगे ना शीरा तो ना जुड़ सकते हैं, तो इसलिए आपने इसको अलग अलग कर लेना है। वीवर से देखें कितना खस्ता बने हैं, और बहुत ही मज़े के बने हैं। शाम की चाय के साथ इसको खा सकते हैं, बहुत मज़े के बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।